आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि बॉलीवुड की कोई मूवी नहीं चल रही। लोगों को लगता है कि बॉलीवुड बायकॉट हो रहा है इसलिए नहीं चल रही। देखिए इसकी बड़ी, पहले तो बायकॉट क्यों हो रहा है थोड़ी सी वजह जानते हैं, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए हमें। आपने देखा होगा देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए पिछले सालों में, किसान आंदोलन हुआ, बेरोजगारी आंदोलन हुआ, थोड़ी सीरियस बात करूंगा। उन सब में आपने देखा कि लोग परेशान हुए, लेकिन किसी सेलिब्रिटी ने, किसी अभिनेता ने, किसी अभिनेत्री ने ये जरूरी तक नहीं समझा कि वो इस देश की जनता के हित में सिर्फ इतना सा ट्वीट कर दें कि हम आपके साथ। हमने भी बहुत सारे ट्वीट किए, बहुत सारे लोगों ने किए, बहुत सारे लोग लगे रहे, ऐसा नहीं है। पता है आपके जीवन में सफल होने का कोई महत्व तो नहीं है अगर आप उस जगह भी खामोश खड़े रहे जहां आपका बोलना बहुत जरूरी था। तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जिस देश में जिन लोगों को हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जिन लोगों के पीछे जनता पागल होती है, वो लोग उस वक्त भी शांत खड़े रहे। आज आप देखते होंगे क्रिकेट से लोगों का जो लगाव था वो कम हुआ है। क्रिकेट खेलना पसंद है लोगों को, लेकिन आज लोग मैच के लिए पागल नहीं होते क्योंकि इतना कॉमर्शलाइज हो गई चीजें। लोगों को लगने लगता है कि ये अपने फायदे की चीज कर रहा है, मैं क्यों टेंशन लूं। लाइक जैसे पहले सहवाग आउट हो जाता था तो कई बार हमारी आंखें गीली सी हो जाती भारत हार, लेकिन आज इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता। हम देखते हैं कि ये मैच हारने के बाद भी खुश है क्योंकि इनको तो बढ़िया पैसा मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन इनमें से किसी भी शख्स ने ये जरूरी नहीं समझा जिस वक्त देश की गरीब जनता, देश के लोग पैदल धूप में जा रहे थे, पैर छन गए थे उनके, किसी ने ट्वीट करना जरूरी नहीं समझा था कि हम इस देश के साथ हैं और इस देश को अच्छा करें। आज हम ये करें, कोई आगे बढ़ के नहीं आया था। अगर मैं सोनू सूद जी को छोड़ दूं तो, या और एक दो लोग आए होंगे, मतलब मदद करना तो दूर, लोगों ने कहा तक नहीं, दुख की बात है। तो जनता के दिल में वो दर्द है, लेकिन ये दर्द तो उनकी बात हो गई जो पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन इन वजह से इस जनता ने, इन नेताओं ने या इन अभिनेताओं ने कभी ये नहीं सोचा कि जब लोग ही बेरोजगार रहेंगे, कंगना जैसे लोगों ने तो बंदर कह दिया था, तो हमारी मूवी देखेगा कौन? हम जैसा, आप जैसा युवा ही अपनी युवाइनी को लेकर के मूवी देखने जाता था। तो पहली वजह बायकॉट की तो ये है कि लोग का इमोशंस खत्म हो गया इन लोगों के प्रति। भाई हम उन्हीं लोगों को देखना पसंद करते हैं, हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। अब वो इमोशंस वाली बात इन लोगों ने खत्म कर दी कि इनको अपने फायदे से मतलब है जनता भाड़ में जाए। और दूसरी चीज ये है कि देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है तो एंटरटेनमेंट भी महंगा हो गया है। आदमी सोचता है कि मैं मूवी देखने जाऊंगा, पॉपकॉर्न से लेकर के 1,000-1,500 आराम से खर्चा होगा, और वहीं वो मूवी आराम से टेलीग्राम में इजीली अवेलेबल है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल है, तो वो वहां से देख लेता है। दूसरी चीज कि लोग अब अपने एंटरटेनमेंट के लिए मूवियों पे उतना डिपेंड नहीं है। आजकल पहले हम लोगों के पास समय रहता था क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल कम था। अगर मैं आज से 6-7 साल 8 साल पहले की बात करूं तो नोकिया 51 थी, इसका मेरे पास मूवी नहीं आ सकती, लैपटॉप भी नहीं देख सकते, तो वही एक साधन एंटरटेनमेंट का होता था। आज लोग डरते भी हैं अपनी प्रेमिका को साथ ले जाके मूवी देखने में कि इतना सोशल मीडिया है, कोई भी वीडियो बना के पापा को भेज देगा, चाचा को भेज देगा, कोई देख ले। ये भी एक डर है आज, पहले ये डर नहीं था कि लोग वीडियो बना रहे हैं आपके। आजकल देखते हो आप, हर छोटी से छोटी चीज की वीडियो बन जाती है, हर छोटी से छोटी चीज की, तो लोग इस चीज से भी डरे हुए हैं। और दूसरा ये है कि लोग आजकल अपने फोन में इतना इंगेज हो गए कि उनको मूवी के एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है। आज इंस्टाग्राम टेलीग्राम में डायलॉग्स आ जाते हैं, वही क्रक्स होता है, उस एक डायलॉग के पीछे रेडी मूवी हिट हो गई थी। जो पुरानी मूवियां होती थी चाहे सलमान, इनकी क्या एक एक डायलॉग पे मूवी हिट हो जाती थी, वो डायलॉग पे आज इतनी रील्स बन जाती है कि आप स्क्रॉल करो खेल खत्म, कुछ बचता ही नहीं देखने के लिए, कोई सस्पेंस रहता ही नहीं। तो भैया मैं इन अभिनेत्री अभिनेताओं से भी गुजारिश करूंगा, छोड़ो तुम भी कहा यूट्यूब चैनल बनाओ, इंस्टाग्राम बनाओ, रील डालो, अपने घर की कहानियां दिखा, काफी जो भी 2-4 लाख रुपए यूट्यूब से ले लिया, क्या चक्कर में पड़े हुए कि मूवी में 130 करोड़ क्यों खराब कर रहे हो? है लाल सिंह चड्ढा साहब, क्या मतलब 130 करोड़ रुपए सामने मूवी में लगाए, पैसे में धुआं लगा रहे? आज के बाद मैं देख रहा हूँ किसी मूवी में कार जला दी रोहित शेट्टी, ध्यान से सुन लेना, देश की प्रॉपर्टी जला दे तुम तो बाबा हो, बुलडोजर चला दोगे कहीं भी, कार जला दे, ये कैसे खर्चा आ जाता है? हमने नहीं बनाई मुखर्जी नगर बस का, 1,000 में बन के तैयार हो गई थी, लोगों ने देखी नहीं? 3 मिलियन लोग देख चुके, कम होते यहाँ जो है इन लोगों की मूवी नहीं देख रहे 20,000 लोग भी। छोटे छोटे क्लिप्स बनाओ अपने डालो यूट्यूब पे, क्या मतलब है? क्योंकि अब चल नहीं पाएगा, जनता बड़ी दुखी है आपसे, लोगों के इमोशंस खत्म हो गए। और दूसरी चीज, उसको एंटरटेनमेंट के लिए मूवी की जरूरत नहीं रही, मोबाइल इज सफिशिएंट। ओप्पो वीवो का हम लोग धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सबके हाथ में मोबाइल थमा दिए, देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ऐसी कंपनियों के मोबाइल यहाँ बिछवाए जिससे सबके हाथ में मोबाइल फोन पहुंचा, तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। क्योंकि देखिए एंटरटेनमेंट का ऐसे ही है, अब हमारे आपके टाइम पे तो हम बंदरों का नाच देखते थे, गांव में बंदर आ रहा है नाच दिखा रहा है, रीछ आ रहा है नाच दिखा रहा है, नहीं देखते थे भाई? भाई वो कर दो ना, क्या दिक्कत है, कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं मैं भी। तो मैं कह रहा हूँ कि बंदर का नाच देखते थे, हमारे गांव में सांप खेल दिखाने वाला आता था, मदारी आता था, अब कहां आ रहा है?
तो लोगों के एंटरटेनमेंट के लोगों का एंटरटेनमेंट का तरीका बदल गया, जरिया बदल गया, बहुत सारी चीजें बदली और इन दो साल में कोविड में ये भी बदला। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, इसमें कोई वाव फैक्टर नहीं है, मूवी नहीं चल, इट्स ओके टाइप की बात है। बट इन लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जहां लोग आपको भगवान मानते थे वहां आपके फेवर में लोग आए नहीं। पहले ये हो रहा था कि शाहरुख खान साहब को किसी ने कुछ कर दिया और लोग चढ़ रहे हैं ऊपर, आप अब नहीं है लोग आपके उतना साथ, क्योंकि आपने लोगों को नहीं दिया जिस वक्त लोगों को उनकी जरूरत थी आपने दिल पे। देखिए पता है कोई किसी का यह भला नहीं कर देता, कोई जब कंधे पे हाथ रख के इतना भी कह देता है ना हम साथ खड़े हैं, टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना पूछ लेता है ना इसी में अपनापन प्राप्त हो जाता है, कुछ और सहारे की जरूरत नहीं होती, सहारा इतना काफी होता है कि कोई कह दे ठीक तो हो ना, आज तुम्हारी डीपी नहीं दिख रही, क्या हुआ, सब ओके तो है ना, इसने दस पे डॉट लगा हुआ है, इतना काफी होता है। तो लोगों का हमदर्द बनना सीखिए।